नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। अवैध रिफिलिंग में सिलेंडरों में गड़बड़ी की तमाम शिकायतों के बाद आखिरकार तेल कंपनियों की नींद टूट ही गई। कंपनियों ने अवैध रिफिलिंग पर लगाम कसने के लिए गैस सिलेंडरों पर एल्युमिनियम की सील लगाने का निर्णय लिया है। जल्द ही उपभोक्ताओं के घर टेम्पर प्रूफ एल्युमिनियम की सील लगे सिलेंडर पहुंचने लगेंगे। जो अवैध रिफिलिंग और इस तरह की जो गतिविधियां संचालित हो रही है, उसको देखते हुए डीएम साहब ने की तरफ से एक लेटर गया था तेल कंपनी को कि जो सील है टेम्पर प्रूफ कर दी जाए। तो टेम्पर प्रूफ सील के लिए रिक्वेस्ट की गई है। अगर टेम्पर प्रूफ सील हो जाएगी तो रिफिलिंग की जो शिकायतें आ रही है और जो गड़बड़ियां हो रही है, सब उन पर अंकुश लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस विभाग की स्वाट टीम और सर्विस लांस टीम ने 3 अंतर जनपदीय चोरों को चोरी की 15 मोटरसाइकिल सहित पकड़ने में सफलता हासिल की। जिले में आए दिन हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्वाट टीम और सर्विस लांस टीम को लगाया था, जिसके बाद डुमरियागंज थाना क्षेत्र हल्लोरा पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की बाइक सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने चोरों को पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए नकद इनाम देकर पुरस्कृत किया। प्रेम प्रसंग में युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला को गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को घायल अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो कैसे क्या हुआ? करीब 1 बजे के आसपास थाना धीना के थाना क्षेत्र में नूरी गाँव में चंद्रा नामक एक महिला को एक व्यक्ति ने गोली मार दी है, जो अपने 2 अन्य साथियों के साथ था। और महिला अभी ठीक ठाक है, उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उसका अभियोग दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 1 साल में विकास करने व बेरोजगार को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। विकास के मामले में और रोजगार के मामले में सरकारी कार्य प्रणाली से गांव का किसान, मकान बनाने वाला, खेत से 1 ट्राली मिट्टी निकालने वाला, सब पर अवैध ढंग से मुकदमे लिखे गए, सबको पकड़ा गया, जेल भी भेजा गया।